आगरा होमगार्ड यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर डीएम को ज्ञापन देकर बहराइच डीएम के तत्काल निलंबन की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर बहराइच में कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि राजा की जनता पर अत्याचार करेगा तो पीड़ित जनता किससे अपने अच्छे भविष्य की आस लगाएगी। बहराइच मामला डीएम द्वारा तानाशाही करे जाने का उदाहरण है। गौरतलब है कि बीते दिनों में इस घटना के बाद से ही बहराइच होमगार्ड यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। होमगार्ड यूनियन के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी कोई भगवान नहीं जो इस तरह से मारा पीटी कर रहे हैं। हम प्रदेश के मुखिया से मांग करते हैं कि अगर वह किसी वजह से उनको बचा रहे हैं तो जिलाधिकारी को तत्काल ट्रांसफर कर दें, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा अपने पद का गलत उपयोग करना गलत है। वहीं अगर न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे। मैं जिलाधीश होमगार्ड एसोसिएशन का अरुण कुमार सिंह चौहान। ये बताओ आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, किस समस्या को लेकर आए, कैसे? हम इसलिए आए हैं, डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। बहराइच में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो होमगार्ड वहाँ पे उनके बंगले में ड्यूटी लगती है, उन होमगार्डों को डंडे से पिटाई की गई और बहुत बुरी तरह मारा है और उनको यहाँ तक कर दिया गया है कि इलाज की सुविधा तक नहीं प्रदान कराई गई है। और वहाँ मात्र दो चंदनों के पेड़ के पीछे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ डीएम महोदय के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या वहाँ पुलिस की ड्यूटी नहीं थी कि सिर्फ होमगार्ड ही इसका दोषी है? मान लो होमगार्ड पेड़ कट गए हैं तो उसकी FIR कराते, और उनको ये किसने अधिकार दे दिया कि जो है तो आप जो है तो होमगार्डों को, वर्दी वाले को जो डंडों से मारपीट करिए? गलती अगर होमगार्डों ने किया था तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहिए था, तो उसका हम घोर विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। ये तो मुझे लग रहा है जैसे किसी नेता ने कहा था कि जो 80,000 दे के भर्ती हुए हैं ना, उनमें से हैं, तो इसलिए DM बनाए गए हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी मानसिकता तो किसी 4th क्लास से उसकी भी नहीं होगी कि जो है एक वर्दीधारी के ऊपर हाथ उठाए। तो क्या DM साहब वाकई में नियम कानून से अपने आप ऊपर मानते हैं? बिल्कुल, नियम कानून से बहुत ज़्यादा ऊपर मान रहे हैं। इसमें सरकार का हाथ है या उनकी मानसिकता ऐसी है, वो वही बता सकते हैं। उनको कुछ पैसों पे ज़्यादा घमंड है। चोरी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हाँ, तो वो DM साहब ने जबरदस्ती करवाया। भाई राजा है, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। अभी आपको घटना नहीं मालूम होगी, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है उनके मकान गिराने के लिए। वो आज की घटना है, उनको मकान गिरवाने के लिए जो वहाँ के जिलाध्यक्ष है गजराज पाठक जी होमगार्ड एसोसिएशन के, उनके मकान गिरवाने नोटिस और जारी कर दिया गया है। तो इस सरकार में और इस DM साहब के राज्य में तो होमगार्डों को कोई वही नहीं है, आम जनता क्या करे? क्या मन बनाया है लगातार होमगार्डों ने? ये मन बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कर रहे हैं कि जब तक होमगार्डों को न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ से DM साहब का ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, जब तक होमगार्ड कार बहिष्कार करते हुए वहाँ उनके समर्थन में जाएंगे और आगे इलेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी का इसका जवाब। DM का ट्रांसफर होमगार्डों का न्याय होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, एक अभी सिपाही कर दिया होता या होमगार्ड कर दिया होता, उसको क्या सजा मिलती है? मतलब IAS है, DM है, तो उनके खिलाफ कानून उनके लिए अलग है? नहीं, अलग कानून है। तो आप लोग बताइए कि अलग कानून है भाई, उनके लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग कानून है। अगर ये मैं घटना कर दिया हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी या DM साहब या कोई जो है तो मुझे छोड़ दिए होते, बर्खास्त नहीं करते वहाँ से। हम ये चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर हो जाए। मान लो IAS है, उनको सरकार बचाना चाह रही है, नहीं बर्खास्त कर रही है, नहीं निलंबन चाह रही है, तो वहाँ से उनका ट्रांसफर होना चाहिए। जैसा